हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि किस फंक्शन के किस तरीके के ग्राफ होते हैं। तो अपन साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास है साइन एक्स, ठीक है। तो इसका अपन ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ से पहले अपन इसका डोमेन और रेंज का बात करेंगे। तो डोमेन इसका क्या होता है, डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और रेंज जो है, रेंज होता है y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, ठीक है। साइन x को y सपोज किया हमने, ठीक है। तो रेंज ऑफ y इज माइनस वन टू वन। तो अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। अब इसका ग्राफ कुछ इस, ये y इक्वस वन है, ठीक है। और ये y इक्वस माइनस वन है। अब इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं अपन। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है, ठीक है। ये चलता जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस इन्फिनिटी तक और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमेशा चलता ही जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये जो पीक वैल्यू कहाँ पर आती है, डेट इज़ वन, वन आती है पाई बाई टू पे, ठीक है। और फिर से जीरो आ जाती है पाई पे, ठीक है। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू, ठीक है, पाई प्लस पाई बाई टू, डेट इज़ थ्री पाई बाई टू, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा टू पाई। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा इन्फाइनाइट तक। और फिर इसी तरीके से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस पाई, ठीक है। ये हो गया माइनस ऑफ टू पाई। और ये हमारे पास है माइनस ऑफ, सॉरी, ये हमारे पास है माइनस ऑफ पाई बाई टू, एंड ये है हमारे पास माइनस ऑफ थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो यही हमारा वाई इक्वस साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जीरो से टू पाई तक जो ग्राफ है, वही ग्राफ जो है रिपीट हो रही है। देख सकते हैं आप, मतलब जीरो से टू पाई का इंटरवल में जो भी ग्राफ है, या फिर कोई भी टू पाई का इंटरवल आप ले लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, यही ग्राफ को अगर आप आगे रखते गए, इधर भी आगे रखते गए, तो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। तो इसे हम कह सकते हैं साइन एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है, जिसका पीरियड क्या है, टू पाई है, क्योंकि टू पाई इंटरवल में इसके ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो अपन इससे कह सकते हैं पीरियड इज टू पाई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए हमसे कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, तो उसका पीरियड टू पाई के इक्वल होता है, ठीक है। और ग्राफ याद रहेगा तो काफ़ी कुछ हमें आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉस एक्स का, फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वस कॉस एक्स का ग्राफ। तो y इक्वस कॉस एक्स ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज और डोमेन की ही बात करेंगे। तो डोमेन हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रेंज हो जाएगा हमारे पास, रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, सेम माइनस वन टू वन, ठीक है। तो इसका भी रेंज क्या होगा, माइनस वन से वन ही के इक्वल होगा। तो इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कहीं हमारा वन है, वाई इक्वस वन, और ये हमारा वाई इक्वस माइनस वन, ठीक है। वाई एक्सिस में तो बस वन से माइनस वन तक ही रहेगा ग्राफ, ठीक है। एक्स में तो आर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये भी इन्फाइनाइट प्लस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फिनिटी तक इसका भी ग्राफ होगा, सेम साइन एक्स की तरह। तो देखते हैं अपन कि किस तरीके से ग्राफ होगा। तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है। तो कहीं यहाँ से ग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ स्टार्ट हुआ और इस तरह से आगे बढ़ता गया, और यहाँ पे फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इन्फाइनाइट तक चल रहा है, ये भी उधर इन्फाइनाइट तक चल रहा है। तो ये हमारा ज़ीरो था, ठीक है। तो फिर y इक्वस जीरो कब होता है, y जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू पाई बाई टू होगी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos पाई कितना होता है, माइनस वन, तो ये हमारा पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फिर पाई प्लस पाई बाई टू, डेट इज़ थ्री पाई बाई टू। उसी तरीके से नेगेटिव में भी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थ्री पाई बाई टू। और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई, माइनस पाई के क्या होता है, माइनस वन के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ आ गया। तो अपन इसमें भी अब पीरियड का बात करेंगे। तो देखिए, देख सकते हैं अपन इसमें भी, अगर आप देखें टू पाई के इंटरवल में, मतलब ये जो ग्राफ है,
ये जो ग्राफ है माइनस पाई से पाई, ये 2π का इंटरवल है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है यही हर जगह रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पे जो बना हुआ है इसको उठाकर यहाँ पे ला दें तो यही पाई के पहले का ग्राफ बनेगा, ठीक है। माइनस पाई से 2π और तक इंटरवल तक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2π के इक्वल हो जाएगा। और ये पीरियड है यानी कि ये एक पीरियडिक फंक्शन भी है। पीरियडिक फंक्शन के बारे में अपन बात करेंगे फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेन एक्स का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे y इक्वस टेन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे डोमेन की। तो डोमेन क्या हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा r माइनस ऑफ प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3π/2 और डैश डैश डैश, इसी तरीके से चलता जाएगा। मतलब प्लस माइनस पाई बाई टू में क्यों नहीं होगा डोमेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टेन एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 10π/2 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होता है, इसलिए उसको हमें नहीं लेना है। और वाई हमारे पास हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वाई जो मतलब रेंज होगी इसकी वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अपन अब ग्राफ को देख लेते हैं। तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। पहले अपन जहाँ जहाँ ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं है वो वाला पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास x इक्वस माइनस पाई बाई टू है जहाँ पे माइनस इन्फाइनेट के इक्वल होता है, और ये है x इक्वस पाई बाई टू जहाँ प्लस इन्फाइनेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर अपन अभी ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी तो ये प्लस इन्फाइनेट माइनस इन्फाइनेट तक चलता रहेगा ग्राफ, बस ये दोनों ये माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 3π/2 इस सब में डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम अपन यहाँ पे एक एसिम्प्टोट का काम करेगा ये, ठीक है। एसिम्प्टोट अभी आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अपन देखेंगे एसिम्प्टोट को, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, 10π/2 पे इनफाइनेट को अप्रोच करता है, माइनस पाई बाई टू को माइनस इनफाइनेट को अप्रोच करता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो अपन और आगे एक ले लेते हैं माइनस 3π/2, तो ये हमारे पास है एक्स इक्वस माइनस 3π/2, ठीक है। यहाँ पे भी ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं होती है, और यहाँ कहीं माइनस पाई है, तो 10π की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो फिर कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, ये पाई माइनस पाई के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बना ग्राफ, वही माइनस पाई बाई टू से माइनस 3π/2 के बीच में बना, तो सेम ग्राफ बन रही है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो पीरियड है वो किसके इक्वल है, देखिए पाई इंटरवल में इसका ग्राफ जो है सेम बन रहा है, साइन और कॉस में 2π में सेम बन रहा था, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा वो पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कॉसेक एक्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का एक्स बिलोंग्स टू मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π। ये सारे वैल्यू क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कॉसेक एक्स क्या है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। तो साइन एक्स जहाँ पे जीरो आता है वहाँ पे कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और रेंज इसकी आ जाएगी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 and 1, ठीक है। तो ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ अपन किस तरीके से बनाएंगे, हमें साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का ग्राफ पता है वो बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1 के इक्वल, और ये हमारे पास हो गया -1 के इक्वल, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, और ये भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पाई बाई टू था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ठीक है। तो अब अपन को ग्राफ बनाना है कॉसेक एक्स का। तो कोई नहीं, कॉसेक एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π, तो जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देंगे अपन, जिस तरीके से अपन टेन एक्स में बनाए थे, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है माइनस पाई, ठीक है। हो गया हमारे पास ये डॉटेड लाइन बनानी है। अब अपन कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट नीचे यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे है तो ये वाला पार्ट, ठीक है। पाई पे माइनस इन्फाइनिट को टेंड्स कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ऊपर में है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट,
तो जितना भी हमने ब्लू मार्कर से किया हुआ है वो वाला कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है। यहाँ पे पाई और माइनस पाई पे डिफाइन नहीं था, उसी तरह आगे भी कई और भी पॉइंट्स हैं जिसमें डिफाइन नहीं हुआ, तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ मालूम है तो आराम से आप कॉसेक एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर पीरियड का बात करें तो पीरियड देख सकते हैं आप, अगर बात करें ये पाई से माइनस पाई देखें आप, पाई से माइनस पाई इंटरवल कितना है 2 पाई, तो एक ऊपर में बना हुआ है एक नीचे में, तो फिर आगे भी देखें माइनस पाई से माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे एक ऊपर में बना हुआ है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ कर्व आएगा, तो देख सकते हैं आप 2 पाई हर 2 पाई इंटरवल में ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पीरियड 2 पाई, ठीक है, ध्यान रखना हमें। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है वाई इक्वल्स सेक एक्स, डोमेन है इसका आर माइनस 2n+1π/2, तो सेम उसी तरीके से sec x किसका रेसिप्रोकल है cos x का, तो cos x 0 कहाँ होता है पाई बाई 2 पे होता है, तो उन सब जगह पे जो sec x है वो डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि 1/0 डेट इज इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए अपन का इसका sec x का डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस 2n+1π/2 जहाँ n इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ रेंज की बात करें, रेंज में ऑल रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट -1 एंड 1, तो ग्राफ देख लेते हैं अपन इसका ग्राफ सेम कॉसेक एक्स की तरह ही देखेंगे, वहाँ पे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, अभी पहले इसमें अपन कॉसेक्स का ग्राफ बना लेंगे, तो बना लेते हैं। तो ये 0 था, ठीक है, और ये था हमारे पास वाई इक्वस 1 और ये था हमारे पास वाई इक्वस -1, ठीक है। तो अपन कॉसेक्स का ग्राफ बनाना है हमें, तो कुछ इस तरीके से कॉसेक्स का ग्राफ होता है, हमें मालूम है कुछ इस तरीके से cos x का ग्राफ होता है। तो सेम अब जहाँ जहाँ पे डिफाइंड नहीं है वहाँ पे डॉटेड लाइन खींच देंगे अपन, तो ये क्या था अपन हमारे पास पाई बाई 2 था, ये -π/2 था, ठीक है, तो इन सब जगहों पे ये डिफाइंड नहीं है sec x, तो इस यहाँ पे अपन डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसे भी, ठीक है। अब जो हमने साइन x कॉसेक एक्स का ग्राफ में किया था वही अपन यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास सेक एक्स का कौन सा ग्राफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेक एक्स का ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन आगे बढ़ता गया है, ठीक है, और फिर नीचे में देखें तो कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ भी, तो इसी तरह प्लस से माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट तक चलता जाएगा, तो यही हमारा सेक एक्स का ग्राफ होगा जो हमने ब्लू पेन से किया हुआ है। तो अपन देख सकते हैं आप इसका पीरियड का बात कर लेते हैं, तो कॉस एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई के इक्वल था, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन 2 पाई लेते हैं, तो ये था हमारे पास -π और ये था हमारे पास +π, ठीक है, यहाँ से कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा था, तो अपन देख सकते हैं यहाँ से सेक एक्स का भी ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या आता है एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व और एक ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा 2π के इक्वल हो जाएगा, तो पीरियड इक्वल्स 2π, ठीक है। अब अपन लास्ट देख लेते हैं कॉटेक्स को, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स कॉटेक्स, ठीक है, डोमेन की बात करें तो डोमेन हो जाएगा r माइनस nπ, ठीक है, nπ यहाँ इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि कॉटेक्स किसके रेसिप्रोकल है tan x के, तो tan x 0 कहाँ होता है nπ पे 0 होता है, इसलिए हमें अपन डोमेन के अंदर इसे नहीं लिए हैं, ठीक है, और यहाँ रेंज हो जाएगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है कॉटेक्स के लिए, ठीक है। तो अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ कुछ टेन एक्स जैसा ही होगा लेकिन उसका रिवर्स बनेगा एक तरह से आप देखेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे कॉटेक्स डिफाइन नहीं है उन पॉइंट को पे डॉटेड लाइन बना देंगे, तो पाई पे डिफाइन नहीं है तो ये हमारा पाई था, ये हमारा -π था, ठीक है, -π पाई पे डिफाइन नहीं है, 0 पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अपन अब ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा और पाई बाई 2 पे कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास पाई बाई 2 है, कॉट पाई बाई 2 0 होगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था -π/2, कॉट -π/2 भी 0 होगा, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से ग्राफ अपना बनेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 0 से -π में जो ग्राफ बना वही 0 से पाई में बना, मतलब एक तरह से कॉपी है, तो पीरियड इसका कह सकते हैं हम अपन यहाँ से कि इसका पीरियड जो है वो पाई के इक्वल हो गया क्योंकि पाई के हर पाई इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है वही प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट तक चलते जा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा ग्राफ था, कुछ ऐसे है नहीं ग्राफ के अंदर, बस यही ग्राफ को देखना था किस तरीके से बनता है,
ठीक है, वैसे यूज़ आते रहेंगे कहीं कहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन इक्वेशन को देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।